मेरा तो बुनियादी प्रश्न है कि 4.5 साल मोदी सरकार ने जो आज घोषणा करने क्यों नहीं करी। और ये एक और जुमला है, पहले तो ये हिसाब दें, जवाब दें, 15 लाख रुपए जो हर अकाउंट में उनको देना था, जो नौजवानों की रोजगार की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल का। आज जो घोषित किया है बजट में कि 6,000 रुपये प्रति साल देंगे, इसका मतलब 17 रुपये पर प्रतिदिन ये किसान को देंगे, ये एक मजाक है, किसानों का अपमान है। और जो उन्होंने पेंशन की बात करी है कि 60 साल बाद पेंशन देंगे, 60 साल बाद जो पेंशन देंगे 100 रुपये प्रीमियम के बाद, 29 साल 100 रुपये का प्रीमियम देने के बाद और 10% जो महंगाई होती है, तो ये तो एक घाटे का काम हो गया। ये बुनियादी प्रश्न ये है कि चुनाव को देखते हुए इन्हें राम मंदिर याद आ रहा है, चुनाव को देखते हुए इन्हें किसान याद आ रहे हैं, आज इनको नौजवान जो बेरोजगार नौजवान है उनकी याद नहीं है। कल जो रिपोर्ट सामने आई है कि अपने देश में 40 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई, विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अपने देश में है, यही आज मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।